कोतवाली बलरामपुर के समीप मनकापुर गांव बसा था। वो गांव धान की फसल के लिए मशहूर था। उसी मनकापुर गांव से आकर मिंटू कोतवाली के आगे चाय बेचा करता था। ओ मुंशी जी, जाकर मिंटू से 3 चाय बोल आना, कहना हमने भेजा है। ठीक है साहब, अभी बोल दे रहे हैं। मिंटू, अरे ओ मिंटू। बोलिए मुंशी जी, कैसे याद किया? 3 चाय लेकर आ जाओ, कोतवाल साहब मंगवाए हैं। अभी लेकर आया मुंशी जी। कोतवाली के साथ आसपास की भीड़ को चाय पिलाकर मिंटू का गुजारा हो जाता था। वो दिन भर चाय बनाकर बेचता और रात को अपने गांव मनकापुर वापस चला जाता था। मनकापुर गांव में छूत की बीमारी फैली हुई थी। कलेक्टर साहब ने लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दिया था। कोतवाल साहब, आपके गाँव के आसपास छूत की बीमारी फैली हुई है। हमें सरकारी आदेश मिले हैं कि लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए। आप अपने सिपाही पूरे गांव में तैनात करवा दीजिए। जरूर कलेक्टर साहब, हम यही करेंगे। मुंशी जी, आप अपने सारे बटालियन के साथ मनकापुर गांव में तैनात हो जाइए। सरकारी आदेश है, लोगों को घर के बाहर नहीं निकलने देना है। जी साहब, अपना चाय वाला मिंटू भी उसी गांव का है, उसका क्या करना है? उसको अपने साथ ही रखना, लेकिन बाकियों को निकलने मत देना। जी साहब। दिन का दूसरा पहर था। पूरा मनकापुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे पुलिस के लोग मनकापुर के हरे चौराहे पर लोगों को बाहर घूमने से रोकने के लिए तैनात खड़े थे। मिंटू बेटा, चाय का इंतजाम कर दो, काफी थकान सा महसूस कर रहे हैं सब। अपने घर से बनाकर लाता हूँ, आप लोग यहीं रुकिएगा। ठीक है, जल्दी करना। गांव में बरगद के पेड़ से सटा हुआ एक चबूतरा बना था। सारी पुलिस बटालियन वही आराम करने के लिए बैठ गई। आओ सब, राजू संजय सब यहीं आओ, बैठकर थोड़ा आराम कर लो। अभी आए मुंशी जी, आप तब तक बैठिए। बरगद के पेड़ पर एक मटका टंगा हुआ था। एक पुराने कहानी का कोतवाली तक में ये हल्ला बताया गया था कि उस मटके में गाँव का प्रेत बंद है। ठीक उसी वक्त राजू को वो कहानी याद आ गई। मुंशी जी, कहीं यही वो मनकापुर के प्रेत वाला मटका तो नहीं है? हम तो कभी देखे नहीं। संजय, तुमने देखा है कभी ये मटका? नहीं कोतवाल साहब, केवल सुना है मनकापुर के मटका के बारे में। तब मिंटू चाय बनाकर ले आता है। चाय गरम चाय। मिंटू बेटा, क्या ये वही प्रेत वाला मटका है मनकापुर का? हाँ मुंशी जी, ये वही है, पर ये मटके में बंद है। एक बार मटका गिरकर टूट गया था, तब बाहर आया था। इसके बाद क्या हुआ था? फकीर बाबा ने जादुई खिचड़ी का भोग लगाकर उसे वापस बांध दिया था। कौन? फकीर बाबा? अभी पिछले महीने ही उनकी इंतकाल हो गया। कब्रिस्तान के पास इमाम वाड़े में रहते थे। बातचीत चाय के साथ चल ही रही थी। जैसे ही सबकी चाय खत्म हुई, अचानक से जोर की हवा चली और वो मटका वापस गिर के टूट गया। ये क्या हो गया मुंशी जी, मटका टूट गया? अब क्या करें हम मुंशी जी, प्रेत बाहर आ गया, शायद यही होना लिखा था इस गांव के लिए, तभी ये छूत की बीमारी फैली है। सही बोल रहे हैं साहब आप। अब तो वो फकीर बाबा भी मर गए, तुमने देखा था मिंटू, उन्हें जादुई खिचड़ी बनाते हुए। हम भी बनाते हैं प्रेत को रोकने के लिए। उनके साथ उनका बेटा घूमता था, उससे पूछकर देखते हैं। ठीक है, चलो मिंटू तुम मेरे साथ चलो, बाकी सब यही रहना, हम आते हैं प्रेत को बंद करने का प्रबंध करके। मटके से प्रेत के बाहर आते ही हवाओं में प्रेत की आवाज गूंजने लगी। बड़े सालों बाद मुक्ति मिली है, कितना सुंदर है यह गांव, पर सब कोई कहां गायब हो गए। प्रेत की आवाज राजू को साफ सुनाई दे रही थी। उसने प्रेत से बात करने की हिम्मत दिखाई। गांव में छूत की बीमारी फैली है, उसी वजह से सब अपने घरों में छिपे हैं। तभी मुझे शैतान ने बाहर निकाला है घूमने के लिए, ताकि लोग मुझे देख सुन ना पाए और मुझसे डरे मत। तुम नुकसान नहीं पहुंचाते हो? मैं जब किसी को छू ही नहीं सकता तो उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा? गांव के लोग डरपोक हैं,
इसी वजह से मुझे मटके में बंद कर देते हैं। तभी मुंशी जी और मिंटू उस फकीर बाबा के बेटे को लेते आए। क्यों वापस आए हो? हवा खाने के लिए। गांव की हवा में बीमारी है, जादुई खिचड़ी खाकर वापस चले जाओ। उसी जादुई खिचड़ी को पूरे गांव में बंटवा दो, ये छूत की बीमारी उसी से जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? शैतान ने भेजी है ये बीमारी, मैं शैतान का ही रूप हूँ, उसी वजह से आज बाहर आया हूँ मटके के। जाओ खिचड़ी तैयार करवाओ, मैं फिर आऊंगा। इतना बोलकर प्रेत गायब हो जाता है। फकीर बाबा के बेटे ने बताया कि असल में वो जादुई खिचड़ी अमावास के दिन बनती है। इसे काली बिल्ली की हड्डियों से जलाई गई धूनी में बनाया जाता है। मुंशी जी, एक काली बिल्ली मेरे बगिया में मर गई है, मैंने उसे वहीं पर गाड़ दिया था। तो फिर उससे क्या हुआ? कल अमावस है, वो बिल्ली कंकाल हो चुकी होगी, उस कंकाल को निकालकर जादुई खिचड़ी पूरे गांव में बंटवा देता हूँ। ठीक है, जो लगे करो, पर इस गांव को बचा लो। ठीक है साहब, कल अमावस के जादुई खिचड़ी की तैयारी शुरू कर देता हूँ अभी से। अगले दिन मिंटू ने पूरे गांव में उस जादुई खिचड़ी को मुंशी जी की सहायता से घर घर बंटवा दिया। लोगों की सेहत उस जादुई खिचड़ी को खाते ही ठीक होने लग गई। प्रेत भी वापस मटके में चला गया। इतने बड़े महामारी से निदान दिलाने के लिए कोतवाल साहब की पूरी बटालियन और साथ में चाय वाले मिंटू को कलेक्टर साहब द्वारा सम्मानित किया गया।